आपका गूगल एडसेंस का पैसा वापस चला जाएगा। भाई इस पॉलिसी ने वाकई में दिमाग खराब कर दिया। यूट्यूब क्या कर रहा है, बार बार अपनी पॉलिसीज में चेंज कर रहा है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपडेट के ऊपर बना चुका हूं और यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के लिए 4th वीडियो बिल्कुल अवेलेबल है। और इस टाइम यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज की इन 4th यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल रेवेन्यू के बारे में। भाई आप हैरान रह जाओगे, आपका गूगल एडसेंस का पैसा वापस चला जाएगा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर है और यूट्यूब पे डिपेंड है, वीडियो कंप्लीट देख लेना, नहीं तो बार बार हर बार परेशान हो जाओगे। भाई इस पॉलिसी ने वाकई में दिमाग खराब कर दिया। आप सोचोगे कि यार जो मेरा रेवेन्यू है एडसेंस में जो मैं कमा चुका हूं उसको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मेरे भाई पैरों तले से आपके जमीन खिसक जाएगी। अब आपको बताना चाहता हूं आपको करना क्या पड़ेगा। यहां पे इस पॉलिसी के बारे में जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पे, हाउ वी इन्फोर्स यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर ही रेवेन्यू पॉलिसी है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा। बट एक रिक्वेस्ट बोलूंगा, बिल्कुल हक से बोलूंगा, वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पॉलिसी आपको बेकार लगी या अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो इसमें नो कमेंट ही करूंगा। यहां पे क्या लिखा है, विद होल्ड हो जाएगी क्या आपकी पेमेंट। यहां पे क्या लिखा है, एडजस्ट हो जाएगी क्या आपकी पेमेंट। यहां पे क्या लिखा है, चार्ज बैक हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफसाइट अर्निंग। और यहां पे पेमेंट, जो भी आपके तरीके है रेवेन्यू के, ये प्रॉब्लम करने वाला है। खासकर कब करने वाला है जरा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं। ये क्या लिखा है जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। ये लिखा है, अगर आप फॉर एनी सच वोलेशन वी नीड सम टाइम इन्वेस्टिगेटर वेदर द अर्निंग नीड टू बी विद होल्ड एडजस्टमेंट और ऑफसेट। दिस मे बी रिजल्ट इन पेमेंट डिले ऑफ अप टू 90 days और अंटिल वी हैव रिजोल्व एनी थर्ड पार्टी राइट डिस्प्यूट। और कह रहा है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई कोई वोलेशन पाया जाता है और रेवेन्यू का वोलेशन पाया जाता है, तो आपका यूट्यूब चैनल पे ऑफसेट अर्निंग, पेमेंट अर्निंग या फिर चार्ज बैक या फिर एडजस्टमेंट होके रहेगी। क्यों रहेगी, और इसमें टाइम 90 days का लग सकता है मेरे भाई। ये बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको, 90 days लग सकता है आपकी पेमेंट आने में। और क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, वोलेशन करोगे। वोलेशन किसका, ये जरा देखो, वोलेशन ये है मेरे भाई, अगर आपके यूट्यूब चैनल पे इनवैलिड ट्रैफिक ऑन योर कंटेंट। और क्या लिख रहा है, फेक एंगेजमेंट। मेरे भाई अगर आप जो है ना फेक तरीके से कहीं से आप अपनी वीडियो को प्रमोट करा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, फेक एंगेजमेंट यूट्यूब की पॉलिसी बोल रही है, अगर आप पकड़े जाते हो तो, या फिर कंटेंट आईडी क्लेम, अगर आपकी वीडियो पे किसी ने क्लेम कर लिया है, मान लिया किसी की वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हो, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, आईडी उसने भेज दी, कंटेंट आईडी उसने भेज दी, क्लेम क्लेम करके सब अपना आप ही आ जाता है। तो ऐसे केस में आपके यूट्यूब चैनल का जो रेवेन्यू है, कमाया हुआ रेवेन्यू भी वापस हो सकता है मेरे भाई। अब आप सोच रहे हो कैसे, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा डीमोनेटाइज, और डीमोनेटाइज होने के बाद में जो आपकी पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी 90 days तक, जब तक आप उस पर क्लैरिफिकेशन यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपकी वो पेमेंट वापस चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी वापस, जहाँ से, एडवर्टाइजर के पास। क्यों, क्योंकि इसने लिखा है, ये मैं खुद से बात नहीं बना रहा हूँ, इसने खुद लिखा है, अगर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाता है और आपने अर्निंग की हुई है उस पे और टर्मिनेट हो गया, मान लिया आपने $10,000 आपने कमा लिया और आपका चैनल टर्मिनेट हो गया, या फिर $10,000 कमा लिया और आपका यूट्यूब चैनल जो है ना सस्पेंड हो गया, कहाँ से, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से, यानी कि डीमोनेटाइज हो गया, रियूज कॉन्टेंट आ गया, या फिर आपका क्या आ गया, रिपीटेटिव कॉन्टेंट आ गया, या आपका कोई और कॉन्टेंट आ गया, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यू आर नो लॉन्गर एंटाइल्ड टू अर्न एनी रेवेन्यू। तो ये कह रहा है कि आप जो है ना रेवेन्यू के लिए यहाँ पे एंटाइल्ड हो जाओगे। साथ ही साथ बोला है, YouTube में ऑल्सो विद होल्ड अर्निंग एंड रिफंड एडवर्टाइजर और व्यूअर ऑफ परचेज, ठीक है, परचेज वेयर एप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल। मेरे भाई वो पैसा जो एडवर्टाइजर का है उसको दे दिया जाएगा, या फिर आपका किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, परचेज कर रखा है, व्यूअर ऑफ फॉर ए परचेज,
तो उसको भी वापस जा सकता है। मेरे भाई बहुत खतरनाक पॉलिसियां लिखा है, वी विल इन्फॉर्म यू इन रिटर्न रिटर्निंग बाय ईमेल और इन प्रोडक्ट व्हेन वी हैव इन्फोर्स ओवर पॉलिसीज, वी विल ऑल्सो लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। मेरे भाई ये कह रहा है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो हम आपको मेरे भाई मेल करके बता सकते हैं। बहुत खतरनाक पॉलिसी है मेरे भाई। कहने का मतलब यह है, $10,000 आपने कमा लिए क्या YouTube को मोनेटाइज करने के बाद में, और वो डॉलर आपके गूगल एडसेंस में पहुंच गए हैं, उसके बाद YouTube को लगता है कि भाई अब तो आपने रियूज कंटेंट करके पैसा कमाया है, वो आपके YouTube चैनल को रियूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट कर देगा। कैसे रिजेक्ट करेगा, मैं आपको साफ साफ यहां पे दिखा देता हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर वो यहां से इसको इस तरह से अगर रिजेक्ट कर देता है जैसे इसने ये किया है रियूज कंटेंट के तहत, तो आपका पैसा, चैनल तो आपका डीमोनेटाइज हो जाएगा रियूज कंटेंट के तहत, साथ ही साथ जो पैसा आपने कमाया है वो कमाया हुआ पैसा एडवर्टाइजर को चला जाएगा। अब आप क्या करोगे, हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओगे। यूट्यूब की जो रेवेन्यू पॉलिसी होती है कभी भी वो सामने लेके नहीं आता, वो हिडन तरीके से बात करता है, और आज इसी के बलबूते पे उसने यहां पर ये चेंजेस किया है। और ये चेंज कहां है, ये YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में है, जरा ध्यान से देख लेना। हम कोई बात आपको गलत नहीं बताते, सीधा बताते हैं, सही बताते हैं, बिल्कुल राइट तरीके से बताते हैं। बुरा लगे आपको, अच्छा लगे, पर लगे तो लगे, पर इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिले, इसी बात पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको ये पॉलिसी पसंद आई है नहीं आई है दोबारा से कमेंट करके बता दो, और अपडेट और भी आएंगे। मेरे पास दो और अपडेट है खतरनाक YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वो वीडियो आएंगी, उनको भी जरूर से देखना। चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।